हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मलिक शाह गेमिंग टू डायनामोन्स वर्ल्ड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे वाले होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में। अभी कुछ दिनों में हमें 2-3 नए अपडेट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि 1.7.7, 1.7.7.8 और 1.7.9, जो कि बहुत ही अच्छे अपडेट्स हैं। जो हमारा 1.7.7 का अपडेट था उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकता था, तो उनका भी हम रिव्यू करते हैं। तो उन अपडेट में हमें जो चीज़ मिली थी, उन दोनों अपडेट में हमें कुछ बग फिक्सेस वगैरह देखने को मिले थे। और ये जो हमारा लास्ट अपडेट है, यानी कि 1.7.9, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, जिसमें हमें शॉप में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिली थी। और वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, यानी कि एक और ऑप्शन जो हमें ऐड किया गया है, वो है X4, जो हमारी X4 XP, यानी कि आप 4x XP जो है ऑनलाइन अरीना में ले सकते हैं। जो एक्स कौन सी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा। तो आपको क्या करना होगा कि शॉप से पहले अगर वो आपने बाय नहीं की तो आप कर लें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके जरिए आप जो हमारे दो लेजेंडरी डायनामोन हमें अपने रैंक की तरफ से मिलते हैं, यानी कि ASC1 और VC, जो कि एक इलेक्ट्रिक और एक डार्क टाइप डायनामोन हैं, उनको आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यानी कि आप अपना रैंक जल्दी पुश कर सके। जहाँ पर आपका रैंक 10 टाइम पुश होता है, वहाँ पर ही आपका रैंक होगा पुश 40 टाइम्स। यानी कि अगर आपने एक मैच खेला, चाहे आप हारें या जीतें, तो आपका रैंक तो पुश होता है, वो 10 टाइम नहीं बल्कि 40 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अभी तक बाय नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाय करूँगा और आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक भी कर देना। टाटा बाय बाय।